सूर्य चिकित्सा का मतलब है सूरज की किरणों से रोगों का उपचार करना। प्राचीन समय से भारत के ऋषि मुनियों ने सुबह के उगते सूरज के सामने खड़े होकर पूजा हवन आदि करके अपने शरीर को स्वस्थ मजबूत और लंबी आयु युक्त बनाकर लोगों को प्राकृतिक जीवन जीने का संदेश दिया था। अथर्ववेद में सुबह के उगते सूरज की किरणों के धूप स्नान का महत्व बताया है कि इससे हृदय रोग कभी नहीं होता। हृदय रोग और पीलिया यानी जॉन्डिस हो जाए तो सूरज की सुबह की लाल किरणों में लिटाया जाए तो लाभ होता है, क्योंकि सूरज की किरणों में रोगों को ठीक करने के चिकित्सा करने के गुण भरे हुए होते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर चक्र का कोई ना कोई रंग होता है। शरीर में होने वाला हर रोग किसी न किसी चक्र से जुड़ा होता है। यदि चक्र से जुड़े उस रंग द्वारा चिकित्सा की जाए तो वो रोग ठीक हो जाता है। सूरज की किरणों में 7 रंग और 7 रंगों के हल्के गाढ़े शेड्स भी होते हैं और शरीर में उन रंगों की कमी या अधिकता होने यानी रंगों के घटने या बढ़ने के कारण रोग होते हैं। हर रंग के अलग अलग गुण होते हैं। हमारा पूरा शरीर किसी न किसी रंग से बना है। जैसे बालों का रंग काला होता है, त्वचा का रंग गेहुआ रंग के शेड से बना है, खून लाल रंग का है, नसें नीले रंग की हैं, आंखों के गोलक सफेद रंग के हैं आदि। सूरज की किरणें जहाँ पड़ती हैं, रोग के कीटाणु वहाँ अपने आप मर जाते हैं और रोगों का जन्म नहीं होता। सूर्य की किरणें उन जरूरी तत्वों की वर्षा करती हैं जिन्हें शरीर में ग्रहण करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। सूरज स्वास्थ्य और शक्ति का भंडार है। हमारा शरीर जितना अधिक सूरज के संपर्क में रहेगा उतना ही स्वस्थ और रोगों से दूर रहेगा। जो लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद करके रखते हैं, घर में सूरज के प्रकाश को घुसने नहीं देते, वे हमेशा बीमार रहते हैं। सूर्य स्नान हमेशा उगते सूरज की लाल सुनहरी किरणों में ही करना चाहिए। सूरज की तेज रोशनी यानी धूप दवाएं बनाने का काम करती हैं। जिन बच्चों को पैदा होते ही जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है, गाँव में आज भी उन्हें सूर्योदय के समय सूरज की किरणों में लिटाकर रोग ठीक करते हैं, ताकि अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आने से उनके शरीर के पिगमेंट सेल्स पर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और बीमारी में लाभ होना शुरू हो जाता है। यही काम डॉक्टर्स नर्सरी में लैंप आदि जलाकर कृत्रिम अल्ट्रावायलेट किरणों की व्यवस्था करके भी बच्चों के जॉन्डिस को ठीक करते हैं। सूर्य चिकित्सा बहुत तरह से की जा सकती है, जैसे सीधे उगते सूरज की सुबह की रोशनी में लेटकर जो 10 से 15-20 मिनट तक का समय होता है वहां पर, और स्त्रियां सूती कपड़े पहनकर इन किरणों को धारण कर लाभ उठा सकती हैं। सुबह की किरणों में लेटकर और लंबी सांसें लेते हुए विटामिन डी भरपूर शरीर में आता है, जिससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं। इसके अलावा रोगों से संबंधित रंग के कपड़े पहनकर भी सूर्य की रोशनी में बैठकर उपचार किया जा सकता है। अगर किसी को बीपी हाई यानी हाइपरटेंशन है और हार्ट डिजीज है, खाया पिया ना पचे, पेट दर्द रहे, दस्त होते हो, खून की कमी हो, एसिडिटी रहती है, तो वो पीले रंग की चादर या कपड़े पहनकर लेटकर बैठकर या टहलते हुए सूर्य स्नान करे तो लाभ होता है। यही काम कांच की बोतलों में, जो अलग अलग रंगों की बोतलें होती हैं, उनमें पानी, मिश्री, शहद, तेल, वैसलीन, ग्लिसरीन, गाय का घी, गुलाब जल आदि डालकर धूप में रखने से भी औषधि बनाकर रोगों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हर चीज को किस रंग की बोतल में, कितनी मात्रा में, किस तरह की बोतल में, कितनी देर तक सूरज की धूप में, कब, कहाँ, कैसे रखा जाए, इसकी अलग अलग विधि है जो हर तरह के रोग ठीक करने में सक्षम है।